सभी को नमस्कार दोस्तों। बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड हॉट स्टार पर आ चुका है, बाहुबली 3 हॉट स्टार पर आ चुका है। अब ये लगभग 20 से 25 मिनट की कहानी है। अब इसकी शुरुआत में भल्लभ देव ने बाहुबली को कैसे छल से मारा था और फिर बाहुबली का कैसे जन्म हुआ और बाहुबली ने कैसे बदला लिया था, ये लगभग 1.5 से 2 मिनट ये दिखाया गया है। और उसके बाद कैसे रक्तदेव का एंट्री होता है, रक्तदेव का कैसे जन्म हुआ और कैसे वो आता है, ये दिखाया गया है दोस्तों। अब इसमें बाहुबली का आवाज़ शरद केलकर ने दिया है और रक्तदेव का आवाज़ दिया है राजेश खट्टर ने, जो काफ़ी दमदार लग रहा है और शूट भी कर रहा है। अब इसकी कहानी आगे बढ़ती है, शुरुआत में कटप्पा के इर्द गिर्द कहानी घूमती है और फिर जब बाहुबली और रक्तदेव के बीच लड़ाई होता है जब, तो बाहुबली का साथ ना देने पर कटप्पा को देश निकाला दिया जाता है, जैसा कि हमें ट्रेलर में देखने के लिए मिला था। अब बात करते हैं एनिमेशन की, तो एनिमेशन बिल्कुल भी ठीक देखने में नहीं लगा है। हाँ, डायलॉग आप कह सकते हैं कि डायलॉग काफ़ी अच्छे, स्टोरी वाइज भी अच्छी है, तो कुल मिलाकर बात आ जाता है कि जब एनिमेशन ही अगर ठीक ना हो तो देखने में क्या मज़ा आएगा। तो एनिमेशन यहाँ देखने के लिए ठीक नहीं मिली है, डायलॉग अच्छे हैं, स्टोरी वाइज भी अच्छी है, सबके ऊपर डायलॉग सूट कर रहा है, वॉइस सूट कर रही है, तो एनिमेशन लेकिन ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था एनिमेशन के ऊपर भी, जब आपने डायलॉग वॉइस स्टोरी वाइज पर ध्यान दिया है तो एनिमेशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए था। तो ये था दी बाहुबली दी क्राउन ऑफ ब्लड का रिव्यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।